नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अक्षता जौली और आप देख रहे हैं द ऑटरिंग चैनल। बात करते हैं आज की कुछ 20 फटाफट खबरों की। तो आज की कुछ राजनीतिक खबरें हैं इस तरह। यूपी इलेक्शन 2022, एसपीए का दावा, 6 चरणों में आंकड़ा 2/3 बहुमत का पार, समाजवादी गठबंधन की सरकार बनाया तय। यूपी विधानसभा इलेक्शन 2022, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण मतदान गुरुवार को हो गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि 6 चरणों के मतदान के बाद समाजवादी गठबंधन के 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने में भाजपा रोक नहीं पाई। चुनाव में मुफ्त के वादों पर आज एससी ने सुनवाई करी। कांग्रेस, बसपा, सपा और आप की मान्यता रद्द करने की मांग। चुनावों के दौरान मतदाताओं से मुफ्त के वादों के लिए जाने को लेकर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। ट्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों की जल्द होगी घर वापसी। लोकसभा अध्यक्ष अम्ब्रेला ने दिया भरोसा, गंभीर प्रयास कर रही है सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यूक्रेन के क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बिरला ने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात करी है। शिव मेहता के अंतिम दर्शन की नवाड़ी में उमड़ा जनसैलाब। डुमरी में 3 बार विधायक रहे शिव मेहता के अंतिम दर्शन पे नवाड़ी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में उनके प्रशंसक और समर्थक डगा में उनके शव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने नारे लगाते रहे। पार्टी कार्यालय ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। मणिपुर इलेक्शन 2022, पहले चरण में 78.03 मतदान पीएम मोदी ने किया एम्स का ऐलान। इम्फाल पश्चिम और अंगापकोपहिंद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव के बीच झड़प में कुछ घटनाएं भी सामने आई है। यूपी इलेक्शन 2022 के बारे में, 4 चरण के मतदान वाले जिलों में मतदाता प्रथम श्रेणी में पास, चरण आगे बढ़ने के साथ कम हुआ वोटर्स का रुझान। विधानसभा इलेक्शन 2022, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान के दौरान तो मतदाता काफी उत्साहित लग रहे, बाद में लेकिन 2 चरण यानी 5वें तथा 6ठे चरण में मतदान के प्रतिशत 60 से नीचे आ गए। पीएम मोदी के वेशभाषा के मायने, कैसे टोपी और गमछे में साधे एक तीर से 2 निशाने। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान गले में बनारसी गमछा नजर आया तो दूसरी ओर भगवा रंग की सुभाष टोपी पहनकर वाराणसी के भगिया समाज का ध्यान भी उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे के समर्थन में अखिलेश किस्बा बोले, कसम लेकर भी झूठ बोलते हैं भाजपा के नेता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ के सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कप्रेत्याक्षी उब्बास अंसारी के समर्थन में चुनावी सभा की। उब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़ा बेटा है, समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है। मिर्जापुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बेटी की तरह नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर को मिर्जापुर जिले में बक्चा में आयोजित चुनावी जनसभा का संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्यनाथ सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट पर सीएम योगी पर कसा तंज, बुलडोजर बाबा अब खोली होकर बुल और डॉग में खुलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें व अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। इस दौरान सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमलावर किया। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा तंज कसा है। यूक्रेन संकट पर भारत का स्टैंड साफ, विदेशी सचिव बोले, हमें सभी पक्षों के संपर्क में संकट टालने के लिए जो होगा हम वो करेंगे। भीषण लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से की बात, जाने दोनों नेताओं के बीच में क्या हुई चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण लड़ाई के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट कर कहा जानकारी दी है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रूस और यूक्रेन सीमा संकट पर धुमेल हाथ बातचीत की उम्मीद। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के रूस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत भी कर दी है। भारत को अब यही पक्ष है कि मसले की हाल बातचीत से निकालना जाना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा हिस्सा यही चाहता है, कोई भी युद्ध नहीं देखना चाहता है। यूक्रेन में रूसी राजनीतिक कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू, ज़ेलेंस्की ने कहा ये बात।
रूस ने यूक्रेन पर अपने राजनयिकों की निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक बुधवार को रूस ने यूक्रेन स्थित अपने सभी राजनयिक सुविधाओं को वहां काम करने वाले कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। अचानक बदलावों से मुक्त है भारत और फ्रांस के संबंध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिए बेहतर विकल्प पैदा करने की इच्छा, जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत व फ्रांस के संबंध गहरे विश्वास पर आधारित और अचानक बदलावों से मुक्त है। भारतीय फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए बेहतर विकल्प पैदा करने से और उन्हें सब प्रभु बनाने की इच्छा रखते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की 20 फटाफट खबरें। आगे की जानकारी को देखते रहिए हमारे चैनल को, यानी कि द ऑटरिन चैनल को, और उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे साथ, मेरे यानी अक्षता के साथ। धन्यवाद।